हेलो गाइस, वेलकम टू अवर न्यू व्लॉग। तो आज हम लोग उज्जैन जा रहे हैं। यस, हम लोग महाकाल के दर्शन करने जा रहे हैं। यस, बहुत टाइम से प्लान बन नहीं पा रहा था, अब आज सडनली प्लान बना है तो हम लोग जा रहे हैं। अभी यार इसका म्यूजिक ऑफ नहीं किया क्या? अब आवाज अच्छी आएगी। सो गाइज, अब देखते हैं हम लोग फटाफट। अभी ऑलरेडी 10 बज गए, हम लोग लेट हो गए, बहुत लेट हो गए। हम लोगों ने प्लान किया था कि एटलीस्ट 8:30 या 9 बजे तक निकल जाएं, बट अब 10 बज गई है तो हम लोग फटाफट आई थिंक 1 घंटे 1.25 घंटे में पहुंच जाएंगे और फिर चलते हैं लेके आप लोगों को भी महाकाल मंदिर। राहुल, आज का वेदर मस्त हो रहा है ना? हाँ, थोड़ा सा मतलब ठंडा ठंडा सा हो रहा है, धूप बिल्कुल बंद सी हो गई है। हाँ। आज ऐसा लग रहा है हमारे लिए महाकाल बाबा ने ऐसा किया है कि भाई तुम आ रहे हो दर्शन करने तो तुम ठंडे में आओगे। सही में। अदरवाइज तो अभी तक तो भैया है, इतनी ज्यादा गर्मी हो जाती है, धूप इतनी तेज हो जाती है। एक्चुअल में बट अभी अच्छा है यार, ठंडा और हम लोग आ भी गए महाकाल मंदिर में। क्यों राहुल? हाँ जी, है ना, फिर हम लोग उसके पहले देखेंगे या हो मंदिर के बाद ही फिर कुछ खाएंगे। हाँ, है मंदिर ना? के बाद ही लंच करते हैं ना। फाइनली पहुंच गए महाकाल मंदिर। आज हम लोग पहली बार 2 से 3 बार रास्ता भटक गए थे क्योंकि वहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन का काम कुछ कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा है। जहाँ से हम पहले आए थे वहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। हाँ। और अभी दूसरे रास्ते से आए तो हम 2 बार भटक गए और तीसरी बार पूछते पूछते आए हैं। देखिए, गूगल मैप भी काम नहीं कर रहा है, गूगल मैप भी कुछ का कुछ बता देता है, राइट लेफ्ट कुछ भी गलत सा बता देता है, लेफ्ट जाओ तो उधर कुछ और ही मिलता है। तो ये हमारे साथ अभी हो गया। तो हम लोग एक्चुअली रास्ता एकदम हमको याद नहीं रहा तो अब हमने यहाँ पे पार्किंग किया है। ये इधर हमने पार्किंग किया है, तो इधर पार्किंग है, ये फ्री पार्किंग है। अभी यहाँ पे एक छोटा सा पाथ है तो यहाँ से हम लोग जाएंगे अभी आई थिंक ये गली में से जाके और इधर से दोनों गेट आएगा, वीआईपी गेट भी आएगा और हाँ। इधर से नॉर्मल गेट भी आएगा। हाँ, बट राहुल अभी भी मुझे लग रहा है हम लोग, पता है ये रास्ता अलग ही है, ये इस रास्ते से मैं पहली बार आ रही हूँ। मैं खुद पहली बार आ रहा हूँ बिकॉज वो उधर कंस्ट्रक्शन चल रहा है ना। हाँ। तो एक बार देख लेते हैं, चलिए ये देखना यहाँ पे वो फूल वाले और वो तो बैठे ही हैं, रास्ता तो सही हट के तो जरूर है हम लोग आज। बट ठीक है, तो बताइए आज आपको वेदर कैसा लग रहा है उज्जैन का? वेदर तो आज बहुत अच्छा है यार। हाँ। हाँ। भगवान ने एक्चुअल हमको दर्शन करने के लिए बुलाया है। सो वेदर बहुत अच्छा है। यस। ये देखो, इधर तो है रास्ता। हाँ, ये रास्ता है। अच्छा। निकल गए। सो गाइज, ये यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा है जिसकी वजह से पूरा रास्ता चेंज हो गया है। पहले यहाँ पे हम लोग गाड़ी पार्क करते थे, इधर पूरा पार्किंग हुआ करता था और इधर से हम लोग आते थे, तो यहाँ से ही पूरा कंस्ट्रक्शन चल रहा है। यस, हम लोग इधर से आए, इस गली से हम लोग आए वापस, अभी गाड़ी इधर ही खड़ी है तो आई थिंक इधर ही जाएंगे, बट हमको रास्ता याद रखना पड़ेगा। ओए, रास्ता याद रखना, इधर से आए हम, ये मंदिर के पास में से। हाँ ठीक है, आज भी अच्छी भीड़ है यार, मेरे को तो लगा था भीड़ नहीं होगी। रहने दे यार, अभी तो किसी ने मास्क नहीं लगाया है, अब तो गया कोरोना। क्या बोलते हो गाइस, गया कोरोना भैया। तो ये हम आ गए हैं अंदर मंदिर के, ये लाइन पूरी चेंज हो गई यार जाने का रास्ता। हाँ यार, ये तो मेरे को ऐसा लग रहा है मैं पहली बार आ रही हूँ। मैं खुद फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ भैया इस रास्ते से यार। मैं तो बिल्कुल ही नहीं चुनती, मैं तो दिल्ली की करने वाली। कैसा रास्ता कर दिया यार, बिल्कुल छोटा सा बट भीड़ अच्छी खासी है। आ जा। कंस्ट्रक्शन
सो गाइस यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है, आप देख सकते हो ये कुछ अच्छा सा कंस्ट्रक्शन हुआ है यहाँ पे, पूरा कंस्ट्रक्शन चल रहा है। सो गाइस फाइनली हम आ गए हैं एंट्रेंस पे, तो ये एंट्री है फाइनली मंदिर में एंट्री। बड़ी देर के बाद, हाँ इतना भटकने के बाद। नहीं नहीं शादी के बाद अभी आ रहे हैं यार, नहीं नहीं अबे 2 साल तो कोरोना ने निकाल दिए हैं। हाँ 2 साल तो कोरोना ने निकाल दिए हैं, उसमें तो कहीं गए ही नहीं है, अभी अभी तो आना घूमना स्टार्ट किया है इधर उधर। आ गए हैं हम फाइनल लाइन में, यहाँ से नीचे लाइन है बहुत लंबी, ये बिल्कुल मंदिर के अंदर ही है, अच्छी खासी लंबी लाइन लगी यार, अभी तो टाइम लगेगा हमको वहाँ। सो गाइस दर्शन तो बहुत अच्छे से हो गए हैं, अब हम जा रहे हैं, ये जाने का रास्ता है। हाँ एक्चुअली इतनी देर लाइन में लगो और फिर ये होता है कि जल्दी चलो बस वहाँ से, हार्डली 1 मिनट रुके होंगे हम, हाँ हार्डली 1 मिनट रुके होंगे, 1 मिनट में ही ज़्यादा बोल दिया मैंने, सेकेंड्स रुके और सेकेंड्स में बस चलो चलो चलो। जाने का आई थिंक उधर से रहेगा, देख लेते एक बार। चले तो बहुत अच्छे से हुए, भीड़ थी बट इतनी नहीं थी, लेकिन कंस्ट्रक्शन हुआ हो रहा है ना तो उसके कारण बहुत ज्यादा घूमना पड़ा हमको, मतलब हम तो इस रास्ते से पहली बार ही ये वाला देखा उस गली में से। रास्ता यार गलियों वाला रास्ता है, इधर से तो मतलब
कोई भी आना पसंद ही नहीं करेगा, बहुत ज्यादा कंजेस्टेड है, बहुत छोटी छोटी सी गलियां हैं सच में। तो गाइस अब हम लोग यहाँ पे लंच करने के लिए रुके हैं। मैं यहाँ पे बहुत पहले आता था, ये होटल एक्चुअली ना मुझे बहुत अच्छी लगती थी यहाँ पे खाना, यहाँ पे आलू के पराठे बहुत अच्छे मिलते हैं। हाँ, एक्चुअली मैंने भी एक बार खाए, तुम भी लेकर आए थे, हम लोग सब आए थे। हाँ, लोग सब आए थे, हमारी मेरे इन-लॉज एंड पूरी फैमिली आए थे हम लोग। और यहाँ पे ये ना होटल एक्चुअली ये रेस्टोरेंट श्री गंगा फ्रीगंज में जो श्री गंगा रेस्टोरेंट है उसके ठीक पास में है। तो यहाँ पे ना बहुत अच्छा टेस्ट है इसका, आलू पराठा देता है ये और शुद्ध देसी घी में बनाता है और बहुत अच्छा बनता है इसका। तो अभी हम लोग ये खा रहे हैं और यहाँ पे मैंने के भी लिए सोन पकड़ी, तो हम लोग इन्जॉय करते हैं। सो गाइस आलू का पराठा आ गया है एंड राहुल को देखो तो अभी स्टार्ट हो गया एंड इसने ना एक सोन पपड़ी ऑर्डर की थी, वो भी पूरी खत्म कर ली है एक ही बार में। अब देखना ये क्या पराठे पिलते जाएंगे। ठीक है, अब मैं भी स्टार्ट करती हूँ। सब हम जल्दी से निकल रहे हैं उज्जैन से, फिर अब हम आपको घर पे मिलेंगे। रास्ते में भी यार जूस वूस तो पियेंगे कहीं ना कहीं। हाँ ठीक है, रास्ते में भी जूस पियेंगे एंड होपफुली अगर हम लोग कहीं डिनर पे भी गए, मतलब डिनर पे जाते हैं, डिनर पे जाएंगे कि नहीं वो इस पर डिपेंडेंट है। हाँ देखते हैं हम लोग किस टाइम पे इंदौर पहुँचते हैं। हम लोग घर आ गए हैं और आज की ट्रिप थोड़ी सी हेक्टिक थी, बिकॉज हम लोग वहाँ पर भी दो तीन बार रास्ता भटक गए और इसको तो बहुत प्यास लग रही थी, इसको मतलब हम इसको जूस पीना था एक्चुअली, बट जूस कहीं नहीं मिला। जूस नहीं, केको का पीना था, लेमन सोडा, लेमन सोडा, इसको लेमन सोडा इतना महंगा है तो लेमन सोडा कुछ मिला ही नहीं, कहीं नहीं मिला। बहुत हमने ढूंढा, मैंने जूस भी ढूंढा, बट जूस भी बहुत जूस हाँ नहीं मिला हमको। जूस मिल जाता अगर थोड़ा सा हम लोग, बट हमने ना पराठे खाने के बाद मतलब वहीं से हमने लस्सी ले ली थी तो हमको ऐसा कुछ ठीक है अब, बट दर्शन हो गए हैं बट। लेकिन हाँ महाकाल के लिए हमको कितना दो से तीन बार तो हम लोग रास्ता ढूंढना पड़ा इधर उधर पड़ा, क्योंकि वो बैक साइड से रास्ता कर दिया था जैसा कि आप लोग अभी वीडियो में देखोगे। बट ओवरऑल ट्रिप अच्छी रही। अभी जस्ट हम लोग घर आए हैं, अब लेट्स सी हम लोग डिनर का क्या करते हैं, बिकॉज अब तो बहुत ज्यादा थक गए हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि अब बन जो पाए नहीं, बहुत ज्यादा थक चुकी हूँ। तो अब कहीं चलते हैं छोटा मोटा, मतलब आस पास चल देंगे, थोड़ा बहुत खा के आ जाते हैं। okay. थक गए। लास्ट वीक का हम लोग ब्लॉग भी नहीं डाल पाए एक्चुअली, इसी तबीयत ठीक नहीं थी जिसकी वजह से हम लोग लास्ट वीक ब्लॉग शूट नहीं कर पाए और हम लोग पोस्ट भी नहीं कर पाए, तो सॉरी फॉर दैट। एंड नाउ मूविंग ऑन, हम लोग हर वीक एक नया ब्लॉग पोस्ट करेंगे, एवरी फ्राइडे विल पोस्ट न्यू ब्लॉग। सो आज के लिए बस इतना ही, चलो आज का व्लॉग यहीं खत्म करते हैं। और जिस जो भी हमारे चैनल पे नया है प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड इफ यू लाइक आवर वीडियोस प्लीज डू हिट लाइक बटन। नो लाइक बटन इज लाइक दिस, लाइक बटन मतलब ये ऐसा ना हो जाए, हिट लाइक बटन। एंड जो भी हमारे सब्सक्राइबर्स है प्लीज प्रेस द बेल आइकन बटन, क्योंकि हमें लग रहा है शायद उनको नोटिफिकेशन नहीं जा रहा है। सो क्योंकि हम लोग डेली शॉर्ट्स अपलोड करते हैं रोज दिन में 3 बजे और शाम को 7 बजे एंड हर फ्राइडे हम लोग व्लॉग पोस्ट करते हैं। सो प्लीज बी विद अस एंड थैंक यू बाय।